ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर अस्पताल सोलन प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चाइना से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएमओ सोलन राजन उप्पल ने सभी को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सोलन में इस वायरस से ग्रसित कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहता है, इसलिए जिला में सभी अस्पतालों के कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर अस्पताल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चाइना से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सीएमओ सोलन राजन उप्पल ने सभी को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सोलन में इस वायरस से ग्रसित कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहता है, इसलिए जिला में सभी अस्पतालों के कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ सोलन राजन उप्पल ने कहा कि जो भी व्यक्ति चाइना से आ रहे हैं, वे 28 दिनों तक कोई भी बैठक लोगों के साथ नहीं करेंगे और 28 दिनों तक उन पर स्वास्थ्य विभाग की नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी फील्ड में जाकर नजर रख रहे हैं और पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति चाइना से आया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति चाइना से आता है और अगर उसमें कुछ लक्षण इस वायरस से जुड़े दिखाई देते हैं तो उन्हें सोलन में स्थापित पृथक वार्ड में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्ण रूप से अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी चाइना से आने वाले व्यक्ति के बारे में या कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहता है तो वह 104 टोल फ्री नंबर पर जानकारी दे सकता है। कोरोना वायरस की बात चल रही है, इसके बारे में मैं सब जनता साधारण को बताना चाहता हूँ। ये बीमारी बिल्कुल जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, इसके यही लक्षण होते हैं। कॉमन कोल्ड की तरह इसके लक्षण पाए जाते हैं। ये अभी तक हमारे इस एरिया में तो इसका कोई मरीज आया नहीं है। ये ज़्यादातर तो ये चाइना में ही फैली है और ये बेसिकली तो सांप और अपने चमगादड़, इसकी बीमारी होती थी, पर उससे इन ह्यूमन में ये इन्फेक्ट हो गई है। तो विशेषकर जो चाइना से लोग आ रहे हैं या हैं, उनको ही आइसोलेट करने की ज़रूरत है। बाकी लोगों को इससे कोई ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। इसके लिए आपको बेसिकली ये सांस से फैलती है, तो हमारे को जैसे भी खांसी, जुकाम, छींक वगैरह आए तो अपना मुंह ढक के रखना है, रुमाल का यूज़ करना है। और उस वक्त जैसे हमारे हाथ में भी इन्फेक्शन लग जाता है तो हमारे को दूसरे लोगों से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि वह एक से दूसरे में फैलने की इच्छा होती है। और अगर आपको खांसी, बुखार वगैरह कुछ लगे तो आप भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए, क्योंकि ये दूसरों को फैलने का खतरा होता है। और बाकी जो लोग चाइना से घूम के आए हैं, उनको 14 दिन तक अगर कोई यहाँ आने के बाद खांसी, जुकाम, बुखार हों तो तुरंत नीरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं और अपनी हिस्ट्री उसको बता दें। फिर भी जो प्रोफिलैक्टिक के लिए हमने ये आदेश दिए हैं कि जो लोग चाइना से आ रहे हैं, 28 दिन तक वो कोई पब्लिक मीटिंग और किसी के साथ नहीं जाएंगे। 28 दिन तक हम उनको आइसोलेट करके रखेंगे। अगर कोई सिम्टम आता है तो उसकी ट्रीटमेंट उस डायरेक्शंस हमने आइसोलेशन वार्ड अपना आर एस सोलन में बना दिया है और सारे डॉक्टर्स को सेंसिटाइज कर दिया है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सिम्टम का पेशेंट आता है तो वो तुरंत रिपोर्ट करें। इसके अलावा हमने अपने फील्ड लेवल्स में हर वर्कर को आदेश दे दिया गया है, वो घर घर विजिट करके हमारे को बताएगा कि कोई ऐसा चाइना से तो नहीं आया, कोई उनके सिम्टम्स वाला कोई भी पेशेंट हो तो वो हमारे को डेली रिपोर्टिंग करेंगे। इसके अलावा हमने अपना FM रेडियो में भी प्रोग्राम दिया है और सरकार ने 104 हेल्पलाइन चलाई है। अगर किसी भी आदमी को कोई भी संदेह, अपना विचार बताना हो या कोई बीमारी के बारे पूछना हो या कोई मरीज के बारे बताना हो तो वो 104 हेल्पलाइन जो टोल फ्री है उस पे ये कर सकते हैं।